आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ब्लाउज बना हुआ है और उसकी स्लीव्स लंबी है तो उसको छोटी करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप की स्लीव्स होती है, वो एक देख लेना है। एक में तो देखिए प्लेन है पूरा, बॉर्डर कुछ है नहीं लेस, और दूसरी बॉर्डर वाली है। तो ये दोनों को छोटी स्लीव्स करने का तरीका अलग अलग है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बिना बॉर्डर वाली अगर हो ब्लाउज की स्लीव्स तो उसको छोटी कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्लीव्स छोटी करना देखेंगे कि भाई अगर नीचे लेस लगी हुई है मतलब बॉर्डर हो तो कैसे छोटी करते हैं। और तीसरी भी एक आती है कि ऊपर से लेस लगी हुई होती है तो उसको कैसे करना है वो इसी तरीके से हो जाएगा, ये जो हम मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो उसमें ही बता दूंगा कि लेस वाले को कैसे करना है। तो ये इसका नाप है और ये इसका नाप है, तो इसको तो हम अभी साइड में रख देते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम ये प्लेन वाला ब्लाउज देखते हैं, प्लेन वाले ब्लाउज की स्लीव्स छोटी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों ब्लाउज को उल्टा कर देना है, नाप का ब्लाउज और ये बना हुआ ब्लाउज दोनों को। ब्लाउज उल्टा हो जाए उसके बाद पीछे का पार्ट हमारे सामने रखना है और एक ही स्लीव्स लेनी है, दोनों साथ में नहीं करनी है। उसके बाद नाप का ब्लाउज है उसको भी पीछे का साइड जो होगा वही हमारे साइड रखना है उसमें भी, और उसकी जो स्लीव्स की लेंथ है वो मेजर टेप से नाप कर लेनी है, और इसमें जो स्लीव्स लगाने की स्टिचिंग लगाई हुई है सिलाई वहाँ से नाप करना है। तो इसमें देखिए ये 6 इंच के आसपास है, 6 इंच में थोड़ा सा कम है, तो हमारा जो ब्लाउज है छोटा करने का स्लीव उसमें भी जहाँ स्लीव्स की स्टिचिंग लगाई है वहाँ से नाप करके 6 इंच रख देंगे और एक मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके पास मेजर टेप नहीं है तो इसकी स्टिचिंग और मेजरमेंट का जो ब्लाउज है उसमें जहाँ स्टिचिंग लगाई हुई है वो दोनों स्टिचिंग को साथ में रख के आप नाप कर सकते हैं। देखिए ये हमने जहाँ मार्किंग लगाया है वहीं पर आ रहा है, तो वहाँ पे मार्किंग लगा देना है अगर मेजर टेप नहीं है तो इस तरह से नाप करके, तो बिना मेजर टेप के भी ये स्लीव्स छोटी हो जाएगी। उसके बाद नीचे से नाप करना है, 1.5 इंच हमको इसमें फोल्ड करने के लिए रखना है, और नीचे से देखिए कि एकदम नीचे तक 4 इंच का कपड़ा ये बच रहा है हमारे पास, तो 4 इंच बच रहा है तो इसको क्या करना है फोल्ड करने के लिए हमें दूसरी साइड भी मार्किंग करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड भी 4 इंच रख के एक मार्किंग कर लेना है और दोनों मार्किंग को स्केल से जोड़ के एक लाइन लगा लेनी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे क्रॉस लग रहा है तो थोड़ी सी हम नीचे मार्किंग को लेके लाइन लगाएंगे, और दूसरा जो नीचे वाला मार्किंग है वहाँ से भी एक लाइन लगानी है। तो देखिए ये 4 इंच और दूसरी साइड थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये थोड़ा क्रॉस लग रहा है नीचे से मुझे, इसके लिए हमने ये इसको क्रॉस लगाया है मार्किंग। उसके बाद जो नीचे का मार्किंग है वहाँ पे भी एक सीधी लाइन कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे वाला हमारा मार्किंग है वहाँ से हमें स्लीव्स को कटिंग कर देना है, और इसमें जो साइड का फिटिंग की स्टिचिंग है वो हमें खोलनी है, लेकिन वो अभी बाद में बताता हूँ। या दूसरी स्लीव्स भी हम कर लेते हैं, तो दूसरी स्लीव्स करने के लिए भी इसको इस तरह से बिछाई देना है, और बस हमने जो कटिंग किया हुआ है वो पहली स्लीव वाला वो पार्ट इसके ऊपर रख के उसके नाप से ये वाली स्लीव्स को कटिंग कर देनी है। तो ये दूसरी स्लीव्स तो कुछ ज़्यादा नाप नहीं करना, इजीली हो जाएगी। अब अगर इसमें लेस लगी हुई हो तो क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए इसमें बॉर्डर है, ये बॉर्डर साथ में है, लेकिन इसमें अगर अलग से लेस लगी हुई हो ऊपर से तो कैसे करना है वो दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये साइड की फिटिंग है वो पहले खोल लेनी है, उसके बाद जो लेस लगाई हुई है वो खोल लेनी है, उसके बाद हमने जो ये लेंथ का कटिंग किया वैसे ही उसको भी कटिंग कर देना है। लेकिन ये इसमें बॉर्डर है वैसी बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, लेस एक्स्ट्रा लगी हुई होनी चाहिए, वो एक ध्यान रखना है। अब हमें इसका साइड का जो फिटिंग है वो खोल लेना है दोनों साइड से। तो कहाँ तक खोलना है कि ये जो स्लीव्स का मार्किंग है मतलब इतना फोल्ड होगा हमारा, तो स्लीव्स की स्टिचिंग लगाई हुई है स्लीव्स जोड़ने की, वहाँ तक ओपन करेंगे तो चलेगा। अगर स्लीव्स एकदम छोटी हो तो उससे भी नीचे तक यहाँ तक हमें खोलना पड़ेगा साइड फिटिंग। तो चलिए अब हम पहले साइड फिटिंग खोल लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। देखिए तो ये साइड फिटिंग खुल जाने के बाद इसमें यहाँ पे कितना मोड़ना है उसका मार्किंग कर लेना है इस तरह से,
और प्रेस भी लगा देंगे तो ये अंदर का कपड़ा बाहर आ जाएगा सीधा। तो ये वाली स्लीव्स में और ये वाली दूसरी स्लीव्स दोनों में ये मार्किंग करना है। तो इसमें भी देख लेना है इसको उल्टा रख के कि ये इतना ही लंबा है या नहीं। कोई कोई स्लीव्स लंबी छोटी भी होती है बनाने वाले के मिस्टेक की वजह से, तो हमें थोड़ा चेक कर लेना है कि देखिए इसमें इतनी लंबी छोटी हो रही है। हमने कटिंग से सेम किया दोनों का लेकिन फिर भी लंबा छोटा दिख रहा है। फिर ये नीचे से भी थोड़ा देख लेना है जो स्टिचिंग लगाई है इसकी फिटिंग की स्लीव्स लगाने की, उसके साथ इसको यहाँ पे भी जो नीचे वाली स्लीव्स में भी लगाई है स्टिचिंग वहाँ पे देख लेना है। तो ये ऊपर वाली स्लीव्स थोड़ी सी लंबी है इससे, नीचे वाली स्लीव्स से। तो ये जो ऊपर वाली स्लीव्स का हमने मार्किंग किया है उसमें परफेक्ट नाप है, तो ये जो मार्किंग है वहीं पे इसमें दूसरी स्लीव्स में मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो ये इसमें मोड़ने का कपड़ा थोड़ा हमने कम आएगा, वैसे 1.5 इंच रखा है तो चलेगा, अगर कम रखा होता तो प्रॉब्लम होती, इसके लिए ही हमने 1.5 इंच रखा है। देखिए ये दोनों मार्किंग हो गए। अब ये मार्किंग होने के बाद इसको क्या करना है कि ऐसे फोल्ड कर देना है पहले तो, और इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। तो ये स्टिचिंग करते टाइम एकदम परफेक्ट स्लीव्स बनेगी, नहीं तो कभी कभार सिलाई के वक्त कम ज़्यादा मुड़ जाता है तो ये स्लीव्स परफेक्ट नहीं बनती। और अगर प्रेस अवेलेबल नहीं है तो इसमें नाखून से भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो ये मार्किंग हो जाएगा इसमें, लेकिन अभी हमारे पास तो प्रेस अवेलेबल है तो हम प्रेस लगा देते हैं तो ये एकदम बैठ जाएगा ऐसे कपड़ा इस तरह से। तो दोनों स्लीव्स में यहाँ पे प्रेस लगा के ऐसे कर लेना है, मोड़ लेना है। और देखिए एक स्लीव्स में प्रेस लग जाने के बाद इसको फोल्ड किया है तो एक बार वापस से प्रेस लगाने से पहले इसमें यहाँ जो शोल्डर का जो जॉइंट किया हुआ ये वाला पार्ट है स्टिचिंग का, वो दोनों में सेम आए वैसे रखना है पहले तो, और वहाँ से इसकी लेंथ का नाप कर लेना है लंबाई का कि दोनों स्लीव्स की लेंथ एक जितनी हो रही है ना। तो अगर कम ज़्यादा हो तो इसको कम ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं इसके लिए। तो अभी तो परफेक्ट ही आ रही है तो इसको परफेक्ट आए उतना रख के दूसरी पर भी प्रेस लगा देनी है। तो दोनों स्लीव्स लंबी छोटी नहीं होगी, नहीं तो लंबी छोटी होने के भी चांस है। तो देखिए प्रेस लग गई, प्रेस लग जाने के बाद अब हमें इसमें स्टिचिंग का काम करना है, तो चलिए देखते हैं। तो इतना काम हो जाने के बाद स्टिचिंग तो अब एकदम ईजी है। अब इसमें क्या करना है कि इसको यहाँ से फोल्ड करना है, वैसे 1 से 1.5 इंच जितना मतलब 1.5 इंच तो हमने रखा था, लेकिन ये 1 इंच जितनी पट्टी मतलब हाथ सिलाई की जो त्रुपाई होती है उसकी रहे उतना रखना है, बाकी का आप कपड़ा मोड़ देना है। और मोड़ के एक स्टिचिंग यहाँ पे लगा देनी है, जैसे हम ब्लाउज बनानी हो तब कैसे स्टिचिंग लगाते हैं वैसे ही। और ये हमने उल्टा ब्लाउज ही रखा है क्योंकि ये साइड फिटिंग खोल दिया है, अगर साइड फिटिंग ना खोला हो तो सीधा ब्लाउज रख के भी लगानी पड़ती है सिलाई, लेकिन इसमें उल्टे में भी लग जाएगी। तो देखिए ऐसे इसको फोल्ड कर देना है दोनों साइड के स्लीव्स को। देखिए ये इतना फोल्ड हो जाने के बाद अब यहाँ पे तो हमने प्रेस लगाई हुई है उतना ही फोल्ड करना है, और एक कच्ची स्टिचिंग लगा देनी है त्रुपाई के लिए। अगर आप त्रुपाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पक्की स्टिचिंग लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें त्रुपाई करनी है हाथ सिलाई, तो इसके लिए हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। और अब अगर आपके ब्लाउज में पहले यहाँ पे लेस लगी हुई थी और आपने खोली है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लेस है अलग से लगाई हुई इसके ऊपर थी और आपने खोल ली है, तो फिर यहाँ पे त्रुपाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पक्की स्टिचिंग यहाँ पे लगा देनी है और वो लग जाने के बाद वापस से लेस इसके ऊपर लगा के स्टिचिंग लगा देनी है जो एक्स्ट्रा लेस लगी हुई होती है वो। तो लेस वाले में ऐसे करते हैं तो लेस के नीचे सिलाई आएगी वो दब जाएगी इसके लिए। तो अब इतना हो जाने के बाद वापस से हमें फिटिंग कर देना है। अभी ये छोटी स्लीव्स का काम तो हो गया है, तो स्लीव फिटिंग करने के लिए जहाँ पे स्टिचिंग लगाई हुई है वहाँ पे से वापस स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये कवर सिलाई थी तो ये थोड़ी खोलनी पड़ेगी। तो ये खुल जाने के बाद वापस से
या कवर सिलाई करने के लिए इसको अंदर से एक स्टिचिंग पहले लगानी है, जैसे था वैसे ही वापस से स्टिचिंग लगा के कर देना है। वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें कुछ है नहीं, अभी हो ही गया है। देखिए तो ये अंदर वाली स्टिचिंग लग जाने के बाद इसको यहाँ पे हाफ इंच दूरी पे एक स्टिचिंग है, देखिए तो वहां पे पूरी एक लगा देनी है। मैं एक साइड करके दिखा रहा हूँ, दोनों साइड वैसे ही करना है। फिर ये एक स्टिचिंग लग जाने के बाद अब इसका जो मेजरमेंट का ब्लाउज है उसकी मोरी देख लेनी है कितनी है, अगर इसी नाप का करना है फिटिंग। तो देखिए इसमें भी मोरी भी 6 इंच की है, यहाँ पे स्टिचिंग लगाई हुई है, वहाँ पे वहाँ तक 6 इंच आ रहा है, तो इसमें भी 6 इंच रख के स्टिचिंग लगा देनी है। पहले आप चौक से मार्किंग कर लेंगे 6 इंच पे तो ज़्यादा इजी रहेगा, मुझे ऐसे डायरेक्ट करने की आदत है तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। और ये चेस्ट पे फिर यहाँ पे देखिए ये इसका स्टिचिंग का मार्किंग है, वो मतलब स्टिचिंग जहाँ पे होगी उसके निशान हो गए होंगे, तो उसी निशान पे सिर्फ स्लीव्स की मोरी नाप करनी है, बाकी जो उसके पहले हमने जो सिलाई खोली है उसके मार्किंग होंगे ही, तो उसी मार्किंग के ऊपर वापस से स्टिचिंग लगा देनी है इस तरह से। देखिए ये एक हो गई, ये नीचे तक ही जाने देनी है पूरी स्टिचिंग, और फिर ये दूसरी हो गई, तो तीनों तीन सिलाई ऐसे लगा देनी है तो ये हो जाएगा। और ये बन जाने के बाद इसमें बस प्रेस लगा देनी है तो रोपाई करके, तो ये स्लीव्स छोटी हो गई है। देखिए तो आप देख सकते हैं साइड फिटिंग कर लेने के बाद जैसा था वैसा ये शॉर्ट स्लीव हो गई है। अभी इसमें यहाँ तो रुपाई बाकी रह गई, और इसका सीधा करके देखेंगे तो इसमें प्रेस लगानी बाकी है, बस इसको फिर प्रेस लगा देंगे तो ये वापस से इसके जैसा ही हो जाएगा छोटी स्लीव्स का ब्लाउज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।